Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss Dear Student, today we are going to discuss class 10 subject mathematics and worksheet number twenty two and this worksheet for 27th of August 2021. So dear student, mm -hmm. today we are going to so study equations reducible to pair of the linear equation in two variables. तो सम इक्वेशंस डो नॉट अपीयर लीनियर बट कैन बी कन्वर्टेड इंटू द लीनियर इक्वेशन कुछ जो लीनियर इक्वेशन जो है ना डेस्टेंट एज ए लीनियर नहीं होता बट इसको जो है ना कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन में हम कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ चेंज करके जो है ना इस वर्कशीट को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें समझने वाले हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बी नो कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है ठीक है प्लस सी होता है तो ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर राइट तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चन है आपका पहला ठीक है एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा ईजी सा है टू अपन में एक्स प्लस टू अपन में इक्वल टू नाइन है ये पहला है समीकरण टू अपन में एक्स प्लस वन अपन में इक्वल टू सिक्स है ये समीकरण दूसरा है टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन लेट तो इसको कन्वर्ट किया गया वन अपन में एक्स इक्वल टू पी एंड वन अपन वाईक्वल टू क्यू है तो इक्वेशन वन बिकम्स द थ्री पी प्लस टू क्यू इक्वल टू नाइन समीकरण थर्ड और इक्वेशन सेकेंड का बिकम्स द टू पी प्लस क्यू इक्वल टू सिक्स ये समीकरण हमारा फोर्थ हो जाएगा तो दीज इक्वेशंस आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द कैन बी सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको ठीक है तो देखिए सब्सटीट्यूशन वैल्यू ऑफ़ द क्यू इक्वल टू सिक्स माइनस टू पी फॉर्म ऑफ द इक्वेशन थर्ड इं टू द इक्वेश फोर एंड बी गेट द थ्री पी प्लस टू क्यू टू इंटू सिक्स माइनस टू पी इक्वल टू नाइन द पी इक्वल टू थ्री तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ़ द पी इन क्यू तो इसको जो है क्यू का वैल्यू जब हुट करेंगे क्यू इक्वल टू सिक्स माइनस टू पी तो बी गेट द क्यू इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आपका वन पॉइंट थ्री हो जाएगा और वाई का वैल्यू जीरो आ जाएगा राइट इसी तरह डी एस्टूट आपका जो है ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में है फोर अपन में एक्स माइनस वन प्लस टू अपन में वाई माइनस टू इक्वल टू फोर है समीकरण पहला और टेन अपन में एक्स माइनस वन माइनस वन अपन में वाई माइनस टू इक्वल टू फोर समीकरण दूसरा है ठीक है तो माना कि इसको हम p मान लेते हैं इसको हम q मान लेते हैं इसको ठीक है तो इसी तरह से जो है ना p का जो है ना तो ये फोर पी प्लस टू क्यू इक्ल टू फोर हो जाता है समीकरण थर्ड और इसी तरह जो है ना फिर हम टेन पी माइनस क्यू इक्वल टू फोर ये समीकरण हमारा फोर्थ हो जाता है तो सॉल्विंग फोर ए पी एंड क्यू बी गेट पी इक्वल टू वन अपोन टू एंड क्यू इक्वल टू वन हो जाता है तो नाउ वन अपोन एक्स माइनस वन इक्वल टू पी एंड वन अपन में टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री यानी एक्स इक्वल टू थ्री आ जाएगा और वाई इक्वल टू बी थ्री आ जाएगा तो एक्स और वाई का वैल्यू हमारा थ्री थ्री इसमें आ जाएगा और इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट ठीक है सॉल्व द इक्वेश्स इतना तो सॉलूसंस सोलूशंस है यार इतना तो ये क्या हो जाएगा डेस्ट फोर एक्स ओपन में एक्स वाई ये माइनस थ्री एक्स बाई इसको अलग करके लिख दिए हैं तो इक्वल टू फोर ओपन में वाई माइनस थ्री ओपन में एक्स इक्ल टू फाइव तो ये आप इसका जो है और ये इस तरीके से भी सॉल्व इसको कर सकते तो आसानी से कर लीजिए इसे आप ठीक है अब इसमें मेन ये है जो इसमें जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना ठीक है तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एक्स और वाई का वैल्यू ये दूसरा बी ए का पहला पार्ट का बी है तो इसको में भी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डी रेस्टूडेंट ठीक है तो टेन अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस फाइव अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू सेवन ये समीकरण पहला हो गया फिफ्टीन ऑफर में एक्स प्लस वाई माइनस नाइन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस सिक्स ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया ठीक है तो डी स्टूडेंट माना कि वन ऑफ वन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू तो पी और वन ऑफन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू तो क्यू ठीक है सॉल्यूशन है ये तो टेन पी हो जाएगा प्लस फाइव क्यू इक्वल टू तो सेवन ये समीकरण थर्ड हो जाएगा और फिफ्टीन पी माइनस नाइन क्यू इक्वल टू तो माइनस सिक्स ये समीकरण फोर्थ हो जाएगा तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन वन बाई दाइन एंड द इक्वेशन टू बाई दिक्स यानी टू को हमें सिक्स से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को और इक्वेशन वन को हमें नाइन से मल्टीप्लाई करना है राइट तो देखिए फिर आगे हम यहीं पर देखते हैं डियर स्टूडेंट नाइनटी पी प्लस फोर्टी फाइव क्यू इक्वल टू सिक्सटी थ्री और नाइन्टी पी माइनस फिफ्टी फोर क्यू इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स हो जाएगा तो अब इसमें जो है ना क्रॉस ये साइन चेंज हो जाएगा इसका प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो प्लस 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 फोटी फाइव और फिफ्टी नाइन फोर नाइन्टी नाइन क्यू हो जाएगा और ये नाइन्टी नाइन हो जाएगा तो क्यू इक्वल टू वन हो जाएगा जो कि बेहद ही आसान है ठीक है इसको जो है ना जब हम कट करेंगे तो ये वन हो जाएगा क्यू का वैल्यू हमारा क्या है वन है अब देखिए क्यू का वैल्यू पुट इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट कर देंगे तो टेन पी प्लस फाइव पी इंटू वन इक्वल टू सेवन तो टेन पी प्लस फाइव पी इंटू सेवन तो टेन पी इक्वल टू सेवन माइनस फाइव ठीक है तो यहाँ जो है ना टेन पी इक्वल टू टू उसके बाद पी इक्वल टू टू अपॉन में टेन तो ये आपका क्या हो जाएगा वन ऑफन में फाइव हो जाएगा ठीक है इसको कट करके आप करेंगे तो वन ऑफन में फाइव हो जाएगा नाउ अब क्या करेंगे वन ऑफन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन में वाई है तो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव इन वन करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव तो ये समीकरण हमारा पाँचवा हो जाएगा फिफ्थ वन ऑपन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन वन होता आया तो वन ऑफन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स आ जाएगा सॉल्विंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स फिफ्थ और सिक्स को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये एज इट इज आ गया तो ये देखिए इसको जो साइन चेंज हो जाएगा तो ये दोनों से ये जो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा साइन कन्वर्ट हो जाता प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो टू बाई इक्वल टू फोर हो जाएगा ठीक है टू बाई इक्वल टू फोर हो जाएगा तो बाई इक्ल टू टू हो जाएगा ठीक है वाई इक्वल टू टू हो जाएगा बाई इक्ल टू टू पुट इन इक्वेशन फिफ्थ एक्स प्लस टू इक्वल टू फाइव तो एक्स इक्वल टू फाइव माइनस टू तो एक्स इक्वल टू थ्री ठीक है अब देखिए बी क्या है थ्री एक्स प्लस टू बाई इक्वल टू टू एक्स वाई ये समीकरण हमारा थर्ड फर्स्ट है बी का ठीक है और नाइन एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई ये समीकरण हमारा दूसरा है तो बोथ इक्वेशन डिवाइडेड बाई एक्स एंड वाई दोनों इक्वेशन को हम एक्स वाई से हम डिवाइड कर देंगे ठीक है तो जब दोनों इक्वेशन को एक्स वाई से हम डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट ठीक है तो ये एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा वाई से ये वाई कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो तो एक थ्री अपन में एक्स अपन में वाई टू अपन में एक्स और इक्वल टू टू ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा राइट उसके बाद देखिए तो ना ये उसके बाद हम इस इक्वेशन को लेंगे किसको देखिए उसके बाद हम इसमें इसको लेंगे ठीक है ये इक्वेशन ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ठीक है तो नाइन अपन में नाइन एक्स अपन में एक्स वाई तो एक्स से ये कट ये कट गया फोर बाई अपन में एक्स तो ए वाई से वाई ये कट गया एक्स वाई से एक्स वाई ये एक कट गया तो उसके बाद आप देखेंगे नाइन ऑफन में वाई माइनस फोर ऑपन में एक्स इक्वल इक टू वन तो ये तो समीकरण फोर्थ हो गया ठीक है लेट वन ऑपन में वाई इक्वल टू तो पी वन ओपन में एक्स इक्वल टू तो क्यू तो थ्री पी प्लस टू क्यू इक्वल टू माइ टू इक्वेशन नंबर फिफ्थ है ठीक है उसके बाद नाइन पी माइनस फोर फोर क्यू इक्वल टू वन इक्वेशन नंबर हमारा सिक्सट है तो मल्टीप्लाइंग बाई थ्री और इक्वेशन यानी इक्वेशन फिफ्थ को हम तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो थ्री थ्री जे नाइन टू अब देखिए यहाँ पे थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री जे नाइन पी और थ्री टू जो सिक्स क्यू और प्लस थ्री टू जो इक्ल टू थ्री टू जै सिक्स इक्वेशन नंबर सेवन हो जाएगा तो सॉल्विंग इक्वेशन सेवन एंड सिक्स सेवन और सिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो देखिए ये साइन कन्वर्ट हो जाता है ये प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा ये इससे ये कट जाएगा ये माइनस है हो जाएगा तो माइनस ये जो है ना आपका कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस होता है और ये माइनस तो माइनस फाइव तो इस माइनस से ये माइनस कट के आप क्यू इक्ल टू तो फाइव अपनरेट टन यानी क्या हो जाएगा डेरेस्टेंट यहाँ पे वन अपन में टू ठीक है क्यू इक्ल टू अब उसके बाद इसमें देखेंगे क्यू इक्ल टू वन अपन टू पुट इक्वेशन नंबर सिक्स में पुट कर देंगे तो नाइन पी माइनस फोर की इक्वल टू वन तो नाइन पी इक्वल माइनस फोर अपन में वन ऑफन में टू फोर इंटू वन ऑफन में टू तो इससे ये दोनों कट जाएगा तो माइनस टू आ जाएगा और वन ठीक है तो नाइन पी इक्वल टू माइनस टू इक्वल टू वन नाइन पी माइनस टू इक्वल टू वन तो नाइन पी इक्वल टू वन प्लस टू यानी थ्री थ्री अपन में क्या हो जाएगा नाइन तो यानी पी का वैल्यू हमारा वन ऑफन में थ्री आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम नाउ वन ऑफ ऑन में वाई इक्वल टू हमने क्या लिखा लिया था डी स्टूडेंट पी तो वन ऑफ ऑन वाई इक्वल टू वन ऑफ ऑन में थ्री तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा वाई इक्वल टू वो थ्री आ जाएगा वन ऑफ ऑन में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू हमारा टू आ जाएगा राइट आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इं टू लीनियर फॉर्म इसको लीनियर फॉर्म में यानी लीनियर इक्वेशन बनाना है ठीक है तो चलिए इसे बनाते हैं अच्छे से देखिए सिक्सटीन अपन में एक्स प्लस वाई प्लस थ्री अपन में वाई माइनस टू इक्वल टू फाइव ये समीकरण पहला है ठीक है एट अपन में एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपन में वाई माइनस टू ये माइनस वन इक्वेशन नंबर सेकेंड है तो वन अपन में एक्स प्लस थ्री ये पी हो मान लिया वन अपन में वाई माइनस टू ये क्यू मान लिया हमने ठीक है तो इसको डियर स्टूडेंट ये देखिए समीकरण जो है ना यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा समीकरण पहला इसमें सिक्सटीन पी थ्री क्यू इक्ल टू फाइव ठीक है ये देखिए सिक्सटीन पी प्लस थ्री क्यू इक्वल टू फाइव ये समीकरण थर्ड और एट पी माइनस टू क्यू माइनस वन ई नंबर फोर तो ये आपका समीकरण इस तरह से बन गया ठीक है अब हम बी पोर्शन सेक्शन को देखेंगे एक्स अपन में एक्स वाई माइनस थ्री बाई अपन में एक्स वाई ये इन माइनस वन तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो फाइव एक्स अपन में एक्स वाई प्लस फोर अपन में एक्स वाई तो ये थ्री हो जाएगा इक्वेशन इक्वल टू टू तो देखिए डे स्टूडेंट जब ये एक्स से ये कट गया वाई से ये वाई कट गया ठीक है तो वन अपन में वाई माइनस थ्री अपन में एक्स एक सेकेंड तो ये ऐसे ही ऐसे हो जाएगा वन अपन ए माइनस थ्री अपन में एक्स इक्वल टू माइनस वन ठीक है तो ये फाइव एक्स अपन में एक्स वाई तो ये एक्स से ये कट जाएगा ये वाई से वाई तो थ्री ठीक है तो ये क्या हो जाएगा फाइव अपन में वाई प्लस वन अपन में एक्स इक्ल टू थ्री तो लेट वन वाई अपन में वाई इक्वल टू पी और वन अपन में एक्स इक्ल टू क्यू तो इसमें क्या हो जाएगा पी माइनस थ्री क्यू इक्वल टू माइनस वन ये समीकरण थर्ड हो जाएगा और फाइव पी माइनस क्यू इक्वल टू थर्ड ये समीकरण फोर्थ हो जाएगा तो ये हमारा समीकरण बन गया ठीक है जो कि बेहद ही आसान है तो डियर स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके ठीक है हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे ओके डियर स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर